Hello everyone. In this video, I will show you how to make your PowerPoint presentation. यानी इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आप PowerPoint presentation को कैसे बनाएंगे और बनाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है. तो जब भी PowerPoint presentation बनाए तो फर्स्ट पेज इंट्रोडक्शन पेज बनाइए जो थोड़ा इफेक्टिव हो. जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपका, सबसे ऊपर में आप स्कूल का नाम लिखेंगे और स्कूल का नाम लिखने के बाद जस्ट नीचे में आपका टॉपिक होना चाहिए. यानी जिस टॉपिक पे आपको पावर पॉइंट बनाने को दिया गया है उस टॉपिक को मेंशन करेंगे बोल्ड अक्षर में. जब आपका टॉपिक मेंशन हो जाए तो अपने कंसर्न टीचर का नाम लिखेंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट टीचर है उनका नाम लिखेंगे. और नाम लिखने के बाद जो बना रहे हैं यानी जिनके द्वारा पावर पॉइंट बनाया जा रहा है वो अपना नाम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर को मेंशन करेंगे. यानी जो भी आपका इंट्रोडक्शन है वो फर्स्ट स्लाइड में इंटर करेंगे. देन सेकेंड स्लाइड. सेकेंड स्लाइड में आपका कंटेंट होगा. ताकि आप देख सकते हैं कि मैंने फर्स्ट स्लाइड में टॉपिक दिया है साइबर सिक्योरिटी. तो साइबर सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग आपका कौन कौन सा टॉपिक आएगा, यानी साइबर क्राइम, कितने तरह का साइबर क्राइम होते हैं, साइबर लॉ क्या होता है, साइबर बुली क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी क्या होता है. उसके बाद हम जब सिस्टम को या मोबाइल फोन को जब यूज करेंगे तो क्या क्या प्रिकॉशन अपनाना चाहिए, वो सारे मैटर को, कंटेंट को हम लोग सेकेंड स्लाइड में डालेंगे. देन जितने भी कंटेंट आपने डाला है वो सारे कंटेंट को हम लोग हर एक स्लाइड में डिफाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ इमेजेस. यानी अगर इमेज है तो आपका क्या होगा, जो भी स्लाइड है, जो भी प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही इफेक्टिव होता है. इसलिए कोशिश कीजिए कि जो भी आपका मैटर है तो मैटर के अकॉर्डिंग आपका इमेज आए. उससे क्या होगा कि जो भी मैटर है उसको समझाने में हमें बहुत ही आसानी होती है और हम मैटर को इमेज की मदद से इजीली समझा भी सकते हैं. तो जितने भी टॉपिक मैंने वहां लिखा था कंटेंट में उस चीज को यहाँ पे दिखाया गया है एज ए डेमो. आप लोग देख के समझ सकते हैं कि आपको किस तरीके से पावर पॉइंट बनाना है. जब आपका पावर पॉइंट कंप्लीट हो जाए तो आप इसे अपने नेम से सेव करेंगे. यानी पहले आपका नाम होगा, उसके बाद आपका सेक्शन होगा और रोल नंबर. देखिए कैसे सेव करना है. सबसे पहले हम लोग फाइल पे क्लिक करेंगे. क्लिक करने के बाद सेव एज पे क्लिक करेंगे, या सेव अगर फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हैं तो सेव पे क्लिक करेंगे. जो भी आपका लोकेशन है वो लोकेशन चूज करेंगे जहां पे आपको सेव करना होगा. देन इंटर योर नेम. जैसे मान लीजिए मैं एक यहाँ नाम लिखता हूं आकाश, ये नाम हो जाएगा. नाम के बाद आप डैश देंगे विदाउट एनी स्पेस, डैश देंगे. उसके बाद आप अपने क्लास को मेंशन करेंगे. जस्ट लाइक मान लीजिए मैंने लिखा 8E, फिर आप डैश देंगे, देन इंटर योर रोल नंबर जस्ट लाइक 1, 2 और सेव करेंगे. इससे क्या होगा, आपका फाइल जो है इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा नेम के साथ, सेक्शन के साथ. इसलिए इस बात को आपका ध्यान रखेंगे कि आप लोग का जो फाइल नेम होगा नेम, क्लास, सेक्शन और रोल नंबर के साथ होना चाहिए. देखिए मैंने एक फाइल जो सेव किया था अभी, यहाँ पर नेम, क्लास और सेक्शन के साथ आपका दिखाई दे रहा है. तो इस तरीके से आपका फाइल को इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है. इसलिए फाइल सेव करते समय इन बातों का जरूर ध्यान रखें.